खबर लाल कुआ से है, जहां लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय हल्दूचूड़ में छात्र संघ चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपी एनआरएफ बटालियन की दो टुकड़ियों ने फ्लैग मार्च निकाला और मार्च के दौरान चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने की हिदायत दी। वहीं कोतवाली निरीक्षक डीआर वर्मा ने कहा कि इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में शांति व्यवस्था कायम रखने और लोगों को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है और छात्र संघ में अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा छात्र संघ चुनाव आरएएफ और सीआरपीएफ की टुकड़ी आई है, तो हम लोग इस पे मार्च पास कर रहे हैं और बच्चों को भी बता रहे हैं, कॉलेज के अध्यापकगणों से भी संपर्क कर रहे हैं और बाजार के सेंसिटिव एरिया में संपर्क, लगभग लालकुआ के सभी सेंसिटिव एरिया पे जो हमारे मोहल्ले हैं और हल्दीपुर चौकी क्षेत्र के भी कस्बों में।